हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हो गई है मॉर्निंग और बज रहे हैं सुबह के 10। आप यकीन नहीं करोगे, आज इतना लेट मेरा काम हो रहा था ना कि मैं क्या बताऊं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कितना फास्ट करूं कि जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। बच्चे भी नाश्ता नहीं किए थे और मुझे नाश्ता मतलब बनाने में, पूरा तैयारी करने में बच गया था, पूरा 1 बज गया था बच्चों को खाना खिलाने में। इतना लेट तो कभी मेरे साथ नहीं होता था, बट इस पता नहीं क्यों इस बार मेरे साथ इतना मतलब हुआ, इतना ज़्यादा लेट हुआ। सुबह मैं उठ गई थी, फिर भी काम जो है वो सारे काम रुक रुक के हो रहे थे। और तो अभी देखिए, मैंने मतलब आलू और मेथी का साग बनाऊंगी मैं, तो उसके लिए मैंने आलू को कट कर लिया है और मेथी भी कट करके अच्छे से वास करके, और लहसुन और हरी मिर्च का मैंने तड़का लगाया है। तड़का जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें आलू डाल दिया है, हल्दी नमक डाल दिया है। अब इसे मैं भून लूँगी, मतलब भूनूंगी नहीं, फ्राई टाइप का कर लूँगी बिल्कुल, जब तक कि आलू जो है वो क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी। तो बहुत जल्दी आलू मतलब जो है वो अरे क्रिस्पी हो जाता है और ये बहुत टेस्टी लगता है। रुपेश को तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी देखिए, अभी आलू जो है पक गया है, अभी मैं मतलब मेथी इसमें नहीं डाली हूँ, तो रुपेश आ जाता है कि मम्मी मुझे मतलब भूख लग गई, आप दे दीजिए। और अभी हो रहा है टाइम मालूम है 12:30 बज रहा है, और दोनों बच्चों को मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पहले इन्हें नाश्ता ही दे देती हूँ, उसके बाद से मैं इसमें साग डालूंगी, क्योंकि अगर साग डाल के भूनूंगी ना तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो वैसे बच्चे चाय वाय पी लिए थे, पर फिर भी जब तक रोटी ना खाए तब तक तसल्ली नहीं होता है कि हाँ बच्चे जो हैं वो कुछ खाए हैं। तो अभी देखिए, मैं सारे आलू को साइड में करके बीच में जो मैंने मेथी मतलब कट किया था, मेथी का साग, वो मैं इसके अंदर रख के इसे कवर करके छोड़ दूंगी कि मेथी जो है जब तक सॉफ्ट ना हो जाए, बस 1-2 मिनट लगेगा और मेथी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर मैं सारे आलुओं में मेथी को मिक्स कर दूंगी और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो मेथी है उसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। तो दूसरी तरफ देखिए, दूध भी मेरा खौल गया है और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि रात में मैं गुजिया बनाई थी तो उसे भी सब मैं रख रही थी, सब कुछ डब्बे में कर रही थी, क्योंकि अगर मैं गुजिया नहीं रखती ना डब्बे में तो गुजिया जो है वो मतलब सॉफ्ट हो जाता, फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आता गुजिया में। तभी मैंने दूध पे लगा दी है जाली और चावल दे देती हूँ, मतलब चावल निकाल के रख लेती हूँ बिनने के लिए, और रोटी बन गई है और चावल बनाना है मुझे बस, फिर उसके बाद से जो है हमारा लंच वो मतलब तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए, चावल मैंने बाहर निकाल दिया है, साइड में रख दिया है डब्बा, और आज मुझे बनाना है नमकीन, और मेरा व्रत भी है आज, तो इसलिए मुझे और घबराहट हो रहा था कि इतना सारा काम है और मैं कैसे करूं। और थोड़ा सा मैंने घर का क्लीनिंग भी किया था, पर क्लीनिंग का ब्लॉग मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में मैंने किया था ना कि बिल्कुल मैं कैमरा उठाती तो मुझे और लेट होता, इसकी वजह से मैं कैमरा उठाई ही नहीं। और दूसरा काम मेरे घर में आज ये हुआ है, ये होलिका का दिन है, मैं बता देती हूँ आप लोग को, होलिका का दिन है और आज का जो दिन है वो है बृहस्पतिवार, और तारीख जो है वो 17 तारीख है। तो अभी देखिए, जो आगे का गेट था ना, गेट और जो मैंने लोहे का एंगल लगवाया था वहाँ पे, ये ग्रीन वाला पर्दा हमें लगाना है। तो एक तो जो है दीपावली में ही मैंने मतलब उसको जो अपना बरामदे का एरिया मेक ओवर किया था तो मैंने एंगल लगा दिया था, बस मुझे उसमें रॉड डालना था और ये कर्टन्स मतलब लगा देने थे वहाँ पे। तो अभी देखिए, वही हम लोग कर रहे हैं। तो गेट का जो मतलब कर्टन्स था ना वो थोड़ा लंबा आ गया था, तो उसे मुझे कट करके सिलाई लगाना था, और जो एंगल मेरे मतलब उधर रूम के साइड में है वो तो सही था, वो 10 फीट का था तो पूरा चला जाएगा वहाँ पे, पर मेरा गेट जो है वो 8 फीट का है और जो ये कर्टन्स हैं वो 10 फीट के थे, तो मैंने 2 फीट मतलब दोनों में से कट करके इसे स्टिच कर दिया है। और गेट वाला तो अभी लगा दूंगी, और बगल वाला देखिए जो एंगल है वहाँ पे कब मिस्त्री आता है, मिस्त्री 2-3 दिन से बोल रहा है कि आज आ जाऊँगा कल आ जाऊँगा, पर नहीं आ रहा है। पर देखिए, मुझे कल तक करवा लेना है इसको, एक लोग से बात किया है मैंने, वो कल सुबह बोले हैं कि मैं सुबह ही आ जाऊँगा, होली का त्यौहार है तो सुबह आके भाभी मैं आपका लगा दूंगा, तो वो आएंगे लगाने के लिए। तो अभी देखिए, मैंने सबको बारी बारी उपटन भी लगा दिया है, रुपेश को लगा दिया है, छवि को लगा दिया है, और हस्बैंड को लगा लिया है, और मैं खुद भी लगा ली हूँ। तो यहाँ देखिए, हस्बैंड जो है वो कर्टन्स को टांग देते हैं, और इतना खूबसूरत लग रहा है ना कर्टन्स लगने के बाद, मैं आपसे क्या बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और मेरा घर जो है ना वो पश्चिम का मुँह है, तो यहाँ पर धूप बहुत जल्दी आ जाती है और इधर का एरिया जो है वो मतलब गर्म हो जाता है, तो इसकी वजह से मुझे ये टांगना मतलब
कर्टन्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, अब बस ये डिले होता जा रहा था, हो नहीं पा रहा था। हर बार हम प्लान बनाते थे कि ये काम कर लेंगे, बट पता नहीं क्यों ये छोटे छोटे काम जो है ना वो रुक जाते थे, बाकी इससे बड़े बड़े के काम सारे हो जाते थे। तो फाइनली आज लग ही गया है। तो लंच बन चुका है और मशीन में अभी कपड़े जो है वो वॉश हो रहे हैं, और ये वाला देखिए पर्दा जो है कर्टन्स यहाँ पे ग्रीन वाला लग गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत ही मतलब खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे अभी लगना बाकी है, यहाँ पे इस जाली के पास लगाना अभी बाकी है। और अभी मैंने मतलब अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए मूंगफली का दाना मतलब भूनने, खाऊंगी उसे भून करके। तो सारे काम हो गए हैं, उपटन भी लग गया है। अब रात को थोड़ा सा मुझे नमकीन काटना है, और व्रत की वजह से ना थोड़ा मुझे कमजोरी आ रहा है, उतना ज़्यादा मतलब फ्रेश नहीं महसूस हो रहा है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये मैंने दीपावली पे ही सोचा था कि मतलब ये मैं दीपावली पे ही सोच रही थी कि मैं लगवा लूँगी, पर जैसे होता है ना दिमाग से निकल जाता है, छोटे छोटे काम जो होते हैं ना वो दिमाग से निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से ये टंगा रह गया। और हस्बैंड यहाँ पे देखिए बोल जाते हैं, तो चलिए अभी दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाने जा रही हूँ। मतलब मैं फास्ट हूँ तो इसी वजह से यहाँ रुपेश को उपटन लग रहा है, ये देखिए नहीं दिख रहा रुपेश ये, और छवि अंदर बैठी हुई है। तो आइए अभी दिखाती हूँ मैं रुपेश मूंगफली लेके आया है, मूंगफली का दाना मेरे लिए कि मम्मी आप भून के खा लीजिए, तब मैं भून के खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अब कमजोरी जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ। पहले मूंगफली का दाना भून लेती हूँ और चाय बना लेती हूँ, पी लूंगी, फिर कोई काम करूंगी। और काम करते करते कब 4 बज गया मुझे पता ही नहीं चला, तो अभी 4 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मूंगफली का दाना और चाय बना के पी लेती हूँ क्योंकि मुझे कमजोरी फील हो रही थी। तो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं शाम के, बज गए हैं 6:30, आप देख सकते हो। और अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, आज पूर्णिमा था तो छत पे मुझे पूजा करना था, तो मैं पूजा करके आ गई हूँ और अभी पानी पी लूँगी, फिर उसके बाद से चाय बनाऊँगी। और छवि जो है वो पानी लेके आ रही है, पहले पी लेती हूँ फिर कुछ करूँगी। और कुछ सामान मतलब मुझे चाहिए था, तो रुपेश चला गया है मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि पूरा सामान मुझे नहीं मिला है, थोड़ा ही सामान मिला था, थोड़ा दूसरे साइड में मिल रहा था। तो मैं 4 बजे गई थी मार्केट, पर मैं थक गई थी इसकी वजह से मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाई, तो रुपेश को भेज दिया है, अभी वो गया है सामान लेने। और मैं सोच रही थी कि रिव्यू वीडियो बनाऊं कि मैंने होली के लिए क्या क्या शॉपिंग किया है, पर शायद देखिए मुझे लग रहा है कि वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं या रिव्यू की देखती हूं, अगर बन पाएगी तो ठीक है, क्योंकि अभी मैं लगूंगी किचन में तो मुझे बहुत समय हो जाएगा, मतलब मुझे बहुत कुछ बनाना है, तो इसी वजह से शायद मैं रिव्यू वीडियो ना बना पाऊँ। पहनूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या लिया है। फिर अभी देखिए मुझे मटरी वगैरह बनानी है, और कल जैसे मैं गुजिया बना रही थी खाना बहुत ज़्यादा मतलब लेट बना था, बच्चों को बहुत भूख भी लग गई थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ डिनर, मतलब बच्चों के लिए डिनर तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं जो भी मुझे मतलब नमकीन सेवड़ा वगैरह पुआ हुआ बनाना होगा वो सब मैं बना लूँगी। तो अभी बना लेती हूँ चाय, पहले पी लूँगी चाय, उसके बाद फिर बाकी कुछ मैं मतलब बनाऊँगी। तो अभी चलिए चलते हैं किचन में, पहले रख देती हूँ चाय। और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी, मेरा वाला पानी है व्रत वाला, लो लो रख दो किचन में। तो पसीना देखिए, मार्च में ही इतनी गर्मी पड़ने लगी है, तो मई जून जुलाई में कितना पड़ेगा। और मुझे बहुत सारा चीज़ अभी बनाना है, देखिए क्या क्या मैं बना पाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, और ये पापड़ भी जो है वो सूख गया है, ज़्यादा नहीं बस मैंने मतलब 2.5 किलो का ही पापड़ बनाया था, क्योंकि मतलब आपको पता है तबीयत नहीं सही था। बाकी ये सारे आइटम है बनाने के लिए, जो मैं लाई हूँ नमकीन वगैरह बनाऊँगी उसके लिए है। और पहले बनाती हूँ चाय, और चाय बनने के लिए रख दिया है। और जितना भी मैं होली के लिए स्नैक्स बनाई हूँ ना, वो सारा मैं शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, और आप सब मेरे चैनल पे जाके उसे वॉच कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इजी और बहुत ही कम सामान में आप उस सारे स्नैक्स को बना सकते हो, तो आप भी ट्राई करिएगा। और सभी ने खा के मतलब बहुत तारीफ़ की मेरी, तो 2-3 आइटम है, आप लोग भी देख लीजिएगा प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे मतलब मेरे
मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आज डिनर में बना रही हूँ मैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी। बस सिंपल सी है, दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हो, रोटी के साथ भी आप खा सकते हो। तो इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार मैं यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, तो इसलिए रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस आप लोग के साथ ऐसे बातें कर लिया। और बातें करते करते देखिए डिनर भी तैयार हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो आज पहले डिनर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मतलब स्नैक्स में लगूंगी, क्योंकि कल जो था गुजिया बना रही थी, तो मतलब डिनर बहुत लेट हो गया था, गुजिया बनाते बनाते बच्चे भी बहुत भूखे थे, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि पहले डिनर बना लूँ, उसके बाद मैं स्नैक्स बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।